ये जिहड़ा माहौल सिरजा गया जी इस वेले दुनिया दे विच, इहदे तों छुटकारा पाउण दीआं गल्लां भी मतलब बंदा देखदा ते इही है ना भी इहदे तों छुटकारा किवें पाया जा सकदा। अनमार्क्ड 215 बच्चिआं दे जिहड़े कबरां सी उहनां दा पता लग्गिआ जी। अनमार्क्ड इस तरह से कि जो कैथोलिक चर्च से बाद च उन्होंने पत्थर पुत्थर उपर हटा दें ताकि पता ना लगे। पुलिस ने भी इतने जी कल घटना घटी है वो बारे ये कहा कि भी कोई नवी गल थोड़ी है। बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एंगर एंड इस किस्म की चीजें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल ऑफ अदर कलर्स देन दे कैरी ऑन व्हेन दे आर 20 इयर्स ओल्ड। जो इंडिया या पाकिस्तान से आए हुए यहाँ 40-40, 50-50 साल से पढ़ा रहे हैं वो कहने लगे कि लगभग 2000 तक जो क्यूरिकुलम था वो ठीक था और ऐसा कुछ तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी। तो सैनिटी कैन ओनली बी एड्रेस्ड इफ यू क्रिएट अ सोसाइटी फॉर टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन एंड दिस इज इन द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर यू सी। बिल्कुल ही जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हीरोज़ हैं उनकी जगह ऐसे ऐसे लोगों को आ रही है ला रही है जिन्होंने इस किस्म का लिटरेचर क्रिएट किया है कि वो दूसरे धर्मों को 1% भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन पहले एक आदमी को मारा गया है मुजफ्फरनगर में, अगर वो उसी दिन दखल देते, सख्ती बरतते, ऐसे 84 में जो दिल्ली में हुआ अगर वो पहले दिन ही आर्मी बुला लेते, ऐसे ही जो गुजरात में हुआ 2002 में वो खुद ही वहाँ भी ऐसे आर्मी को बुला लेते, तो ये जो बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं कत्लेआम हुए ये होते नहीं। चैनल पंजाबी तो अलबर्टा वीकली प्रोग्राम देख रहे समूह दर्शकों कुलमी सिंह वालों निघी जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज के प्रोग्राम विच मेरे नाल दो मेहमान शामिल हो रहे ने, गलबात करांगे जिस तरह का माहौल सारी दुनिया के विच इस वेले बन रहा और खास करके आप जिस जगह विच रह रहे हैं जिहड़े देश दे विच रह रहे हैं कैनेडा च और इत्थे जिहड़ियां घटनावां पिछले कुछ कह लो हफ्तियां तो वापरियां ने जिन्हां ने लोगों का दिल दहला दिता और सारे लोग चिंतित ने और वो रुकण दा नां नहीं लै रहियां। अपने शहर दे विच भी घटनावां वापरियां, कल ही सेंट अल्बर्ट दे विच भी इस तरह की एक गलबात वापरी है। जिहड़ी नफरत वाली सिचुएशन बनी हुई है ना दुनिया दे विच, ये हरेक व्यक्ति नूं एक मतलब चिंता विच पाउंदी है कि लोग सोच तो रहे सीगे कि दुनिया एक चंगे पासे वल नूं जाएगी, वधिया माहौल सिरजेगी और लोगों का जीना सौखा होएगा, पर लगता कि वो गलबात पुठे पासे नूं तुरी हुई है। पिछले कई दहाकियां तो गलबात वैसे तो चल रही थी पर हुण वो प्रतख रूप दे विच सामने आ रही है। खास करके आपां देखिया जदों साउथ ऑफ द बॉर्डर राष्ट्रपति ट्रंप हो रही सीगे उन्होंने भी इन्हां गल्लां नूं बड़ा उभार दिता, पर उदू बाद आपां देख रहे हैं होर भी कई जगह दे उत्ते चाहे यूरोप लै लो, एशिया दे मुल्क लै लो, कैनेडा जिहनूं आपां बड़ा पीसफुल देश दुनिया तो सब तो बेहतर देश मानते सीगे उत्थे भी ये जिहड़ियां घटनावां जदों वापरन लगियां तां सारे चिंता विच डुब्बे ने। अज प्रोग्राम दे विच मेरे नाल गलबात करन लई डॉक्टर पी आर कालिया हुरी पहुँचे ने, एशियन टाइम अखबार दे एडिटर ने एडमंटन दे विच और नाल दी नाल डॉक्टर वसीम हक हुरी आए ने, वो भी अज इस गलबात दे विच शामिल हो रहा। मैं जी आया आखदा हाँ दोनों नूं ही। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब पहला थोड़े तो ही आरंभ करते हैं, ये जिहड़ा माहौल सिरजा गया जी इस वेले दुनिया दे विच, इहदे तो छुटकारा पाउण दीआं गल्लां भी मतलब बंदा देखदा तो यही है ना भी इहदे तो छुटकारा किवें पाया जा सकदा, पर उहदे तो पहला थोड़ा जिहा दसो भी ये माहौल बनिया किवें आ इस तरह का। दरअसल ये है कि असीं पहला ये गल करिए कि भी हो की रहा चारों पासे घटनावां की हो रही हैं जिन्हां दी वजह नाल फिर असीं अगे उन्हां दे कारण ते दूसरे लभण दी कोशिश करिए। ठीक, जिवें कि तुसीं हुण जिक्र कीता कि इसे महीने 6 जून नूं ओंटेरियो दे शहर लंडन दे विच जी एक नस्ली हमले विच पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली नूं कतल कर दिता गया, कुचल दिता गया उहदे नाल ट्रक दे नाल जी, ते उह बहुत ही खौफनाक सी
तो हले उसकी दहशत खत्म नहीं हुई सी। तो थोनू याद है कि अज के अखबारों से जिहड़ी सुर्खियां उन्होंने उन्होंने दसा कि इत्थे एडमिंटन च अपना सेंट अल्बर्ट दे मार्ग के उत्ते दो भैणां जा रही सन जिन्हां दी उम्र लगभग 20 साल सी। तो एक नौजवान अपना 40-45 साल का अपना वाइट यंग मैन मास्क पाया उन्होंने कोल आया तो उन्हें चाकू दिखा के उन्होंने उत्ते गालां कढ़नियां शुरू कीतियां उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए तो जिस तरह उन्होंने एक भैन बेहोश हो गई जी। तो दूसरी पुलिस नूं फोन कर लगी तो उसने उसका फोन भी हाथों छीन लिया। तो हुण दोनों जिहड़ियां लड़कियां हैं वह बेचारियां हस्पताल दे विच इलाज चल रहा उन्हां दा जी। दूसरी खबर जिहड़ी अज छपी है वह बहुत ही वह भी सनसनीखेज है क्योंकि आप देखते आ रहे कि जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो सिस्टम से इतने 100 साल तो चलिया आ रहा जिहड़ा हुण जाके 1996 खत्म होया है जिहदे जरिए वह इतों के मूल निवासियों के बच्चों जबरी स्कूलों भर्ती करते ताकि उन्हों का जो कल्चर है भाषा है भोजन है रहन सहन का सिस्टम है उन्होंने खत्म करके उन्होंने कैथोलिक क्रिश्चन कन्वर्ट किया जाए ताकि कैनेडा एक वाइट पीपल्स का ही देश बन जाए वाइट मैनज लैंड जिन्होंने कहने। तो असी देखते आ रहे कि हले महीना नहीं होया कि कैमलूप्स जिहड़ा इस किस्म का एक रेजिडेंशियल स्कूल सी उहदे अहाते विचों अनमार्क्ड 215 बच्चों के जिहड़े कबर सी उन्हां दा पता लग्या। अनमार्क्ड इस तरह से कि जो कैथोलिक चर्च से बाद च उन्होंने पत्थर पुत्थर उपरों हटा दें ताकि पता ना लगे लेकिन अज ये न्यूज़ छपी है कि साड़ी नाल दी स्टेट सस्कैचुअन दे विच उसके कैपिटल तो थोड़ी 60-62 किलोमीटर से इस किस्म के एक स्कूल के अहाते 751 कबर का पता चलिया जिहड़ा बहुत ही जिन्हों कहने भी झटका देने वाली गल है। लेकिन सवाल यह कि यह कोई नवी गल नहीं है ये पिछे बहुत बड़ा इतिहास है जी। तो पुलिस ने भी इतने जी कल घटना घड़ी है वो बारे ये कहा कि भी कोई नवी गल थोड़े है पिछले 6-7 महीने चाहे जी 7 घटना हो चुकी है पिछले 6 आप जानते हैं ब्लैक्स के नाल इन्हां मॉल्स के बाहर की होया है जी। तो इस ढंग नाल एक घटनावां असल च देखा जाए कोई इतफाक नहीं है ये वैसे ही नहीं घट गई इन्हां दे पिछे एक बहुत ऑर्गनाइज्ड एम है उन्हां दा एम यह है कि जिहड़ी साडी कल्चर है वह दूजे नालों बेहतर है दूसरियां तो असीं हर लिहाज नाल बेहतर हैंगे। तो पिछे जे एक सर्वे होया जिहदे विच कनेडियन ने हले 7-8 दिन ही होया सर्वे नूं कनेडियंस ने कहा कि 12% कनेडियन ने कहा भी यह गल ठीक है कि कुछ कल्चर जिहड़ियां हैं वह सुपीरियर हैं। अच्छा 12% कह रहे हैं 12% ने कहा कि सुपीरियर हैं इस करके जिहड़ी दूसरी कल्चर हैं उन्होंने उत्ते वह काबू पाने की कोशिश करते हैं तो अपना विस्तार करने की कोशिश करते हैं जी। ये डॉक्टर साहब जिहड़ी गल तुसीं आखी आ भी इकली स्टेट करती ही जां स्टेट दे नाल चर्च जिहड़ा रल के सारी गलबात होई है जी जिहड़ी रेजिडेंशियल स्कूल वाली गल है जां लोकां दे मनां च जिहड़ा ये सुपीरियरिटी कॉम्पलैक्स पाया जांदा जिहड़ा चर्च है चर्च दे स्कूल्स ने कैथोलिक जी वह रन कर रहे सी ना स्कूलां नूं बट विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थोड़ी याद होना है कि 1875 से जिहड़े कैनेडा दे पहले प्राइम मिनिस्टर सी मैकडोनल्ड जी उन्होंने पार्लीमेंट च कहा सी भी साडा मकसद इन्हां स्कूलों का यह है कि इन्हां दे बच्चों के अंदरों इन्हां दी भाषा इन्हां दे भोजन इन्हां दी आदतां इन्हां दा रहन सहन इन्हां दा हाव भाव असी खत्म करना वो खत्म करदे करदे उन्हां बच्चों नाल बेचारे नाल रेप धक्का मार कुटाई इन्ना होया कि पिछे TRC कमीशन की जिहड़ी रिपोर्ट आई है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन है कि लगभग बई उन्होंने रिकॉर्ड तो 4200 बच्चों की डैथ की है कमीशन ने लेकिन कहते इस दुगना नंबर हैगा जिहदा सानू हले अगर चर्च के जिहड़े स्कूल ने अगर वो सानू अपना रिकॉर्ड देन तो लगभग 6000 तो उपर बच्चों के इस तरह मतलब कि मौत हुई
बड़ी दुखदाई गल्लां हैं जी। देखो अच्छा गल है जी भी देखो जदों ये पहला आए आ के जिहड़ा हैगा इंडिजनस लोग जिहड़े इत्थे पहला रहिंदे सी उहनां दे नाल तक्का होना शुरू हो गया। हुण आपां वेखदे हां भी दुनिया भर तों लोग इत्थे आए ने, तरह तरह के रंग तरह तरह के भाषा कल्चर वाले लोग इत्थे आए आ, तो ये समय समय सिर हक साहब तुहानूं लगदा है यू नो दी जिहड़े टारगेट आ बदलते रहिंदे ने? नहीं नहीं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पॉलिटिकल बिलीफ, इट्स देयर। एक बार यहाँ पे एक प्रोफेसर यू नो ही वाज बेसिकली हिज जॉब वाज टर्मिनेटेड बिकॉज ही सेड समथिंग व्हिच वाज एंटी सेमिटिक। अच्छा, एंटी सेमिटिज्म हैज बिकम ए वेरी डोमिनेंट political story, I would say, of philosophy. And he actually has basically enunciated that settlers became occupiers, and this is true for most countries like Canada, US, Australia, New Zealand. And that trend has taken different shapes. The present hatred against indigenous people is also a part of that hatred. Black Lives Matter, you know, it's also a part of against this hatred. And Muslims being targeted for their belief is also a part of that. And so they somehow that philosophy has generated jisko kehte hain ke anger generated kiya. In my opinion, this should be condemned as much as possible by every member of the community, irrespective of their background, and give suggestions to the Canadian government, how can you change. In my opinion, I think the curriculum should be the first thing we should be. Yeah, change. So, even, you know, when you live, एक जब आप मोहल्ले में रहते हैं जी, तो एक घर छोड़ के एक, you know, there's a white man, and दो घर छोड़ के there's a colored person. अब मसला ये कि एक दूसरे से मिले and start respecting. When you start respecting, the tolerance becomes high or anger is down. ये curriculum में introduce करना बच्चों को, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा vulnerable होते हैं anger and इस किस्म की चीज़ें, because if they don't know how to respect people of other colors, then they carry on when they are 20 years old. Yes. तो डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात बहुत सही लगी क्यूरिकुलम वाली, लेकिन क्यूरिकुलम पे हम देख रहे हैं अब कितने ही महीनों से कि कितनी पॉलिटिकल रस्साकसी हो रही है। तो जो पहले चला आ रहा था अपना क्यूरिकुलम, मैंने यहाँ कई टीचर से बात की जो इंडिया या पाकिस्तान से आए हुए यहाँ 40-40, 50-50 साल से पढ़ा रहे हैं, वो कहने लगे कि लगभग 2000 तक जो क्यूरिकुलम था वो ठीक था और ऐसा कुछ तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो सरकारें आने लगी, वो अपने विचार उसमें डालने, उन्होंने अपना विज़न उसमें इंडक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब कंजर्वेटिव सरकार आई तो उन्होंने प्रो कंजर्वेटिव जो विचार हैं वो उसमें एंटर कर दिए। लेकिन जब यहाँ पहली बार एनडीपी सरकार आई तो उसने भी, वो कहने लगे कि उसमें से ठीक है 10% 5% वो निकालते, लेकिन उन्होंने भी उनका 100% ही उनका करिकुलम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप खुद वो अल्टरनेटिव उसके लिए लेके नहीं आए पूरी तरह से और उनकी सरकार चली गई। और अब जो केडी की सरकार है, कंजर्वेटिव सरकार है, वो जो अपना बना के लाए हैं सिलेबस, उसको 95% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीचर्स की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया दे। और लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब किया क्या जाए इसका? नहीं, इसके लिए जो है आपके कम्युनिटी, जो कलर्ड कम्युनिटी जिसको हम कह रहे हैं ना, हम जिससे वी बिलोंग टू देम, दे हैव टू
basically keep repeating this, that there should be a change in the curriculum. Whether it happens in a day or a year or 2 years, it doesn't matter. But as you keep talking about it, eventually they will have to listen. Because this is the anger. What we see is anger. Fear and anger. Fear of a different sort, right? So anger jo hai has to be addressed. What happened in London, Ontario? That person was an angry man. You think so? Yes. An angry man loses his sanity. That's why you kehte na gussa haram hai. So that is why you will do things which is not sane. So sanity can only be addressed if you create a society for tolerance and accommodation. And this is in the Black Lives Matter movement for almost a year, you see. It is continuous rebuttal of the state policy which gave them some space. It's not over, but it's just the beginning. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आपने तो बहुत ही बढ़िया बात की है कि कदरों कीमतों की बात की है आपने, इंसानियत कैसी होनी चाहिए। लेकिन अब हम जैसे जहां हमारा एक्सपीरियंस है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि आज के अखबार में मैंने वहां पढ़ा कि जो सरकार है वो लगातार जो सिलेबस है उसको चेंज कर रही है, बिल्कुल ही जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हीरोज हैं उनकी जगह ऐसे लोगों को ला रही है जिन्होंने इस किस्म का लिटरेचर क्रिएट किया है कि वो दूसरे धर्मों को 1% भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन आपको याद होगा कि 2015 और 16 में हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरी जाति का आदमी जा रहा है, मैं खास किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, कि अगर उसने वो गाय को लेकर जा रहा है तो उसकी पिटाई शुरू हो गई और उसको वहीं पर मार दिया। और ऐसा केस एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, तीन नहीं हुआ, 171 केस हुए। और देश के जो कहने सुनने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं या दूसरे हैं, उन्होंने उसमें दखल नहीं दिया, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो मेरा ख्याल है जो राज अगर वो पहले दिन ही जिस दिन पहले आदमी को मारा गया है मुजफ्फरनगर में, अगर वो उसी दिन दखल देते, सख्ती बरतते, ऐसे 84 में जो दिल्ली में हुआ, अगर वो पहले दिन ही आर्मी बुला लेते, ऐसे ही जो गुजरात में हुआ 2002 में, वो खुद ही वहाँ भी ऐसे आर्मी को बुला लेते, तो ये जो बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं कत्लेआम हुए, ये होते नहीं। इन कत्लेआम की वजह से एक और ही किस्म की राजनीति उभर कर आने लगी कि अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है अगर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगी तो वो वोटों के लिहाज से माला माल हो जाएगी, और माला माल हो रही है। तो आपकी जो बातचीत है ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन राजनीति वालों पे या दूसरों पे जिनके हाथ में सब कुछ है उनका तो नज़रिया ही और बदल गया है। बेशक वो ट्रंप है, बेशक वो मोदी है, बेशक वो हार्पर है या कोई है, उनका तो नज़रिया ही बदल गया है, उसका क्या किया जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अपने इसी मुल्क में हार्पर को ही वॉज डिफीटेड बाय ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन हु डिड नॉट हैव मच ऑफ ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ओनली लिनिएज, एंड जस्टिन ट्रूडो डिफीटेड हार्पर लेफ्ट राइट एंड मिडल, एंड इवन ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, हिज पॉपुलैरिटी इज हैज गॉन लोअर। Yeah, his popularity is at a level where the others cannot defeat him. So that's a different story. But see what Trump has done. He has changed the philosophy throughout the world. Now Europe sings his song. You know, Europe was supposed to be the most liberal and secular countries, right, whether it is France, Italy, Britain. But again, now coming back to your point in India, this has happened in Pakistan too.
Yeah. I'll give you one very simple example in curriculum. Mm-hmm. You are not allowed to teach anything in biology which has diagrammatic pictures. So body ke part aap nahi padha sakte. Biology mein? Yeah. This is happening in Pakistan, and supposedly under this very able leadership of Imran Khan. So a guy like him doesn't understand what he is doing. So the corruption is of a different sort, and that is what is happening, you said, in India. But again, what I am trying to say, being a member of this ethnic community, our task is to keep telling the same story as many times as possible, that changes in the political world can only happen if we talk about reducing anger. दूसरी बात ये है कि सिर्फ करूँ बात एक सेकंड मैं ना, आपने जो पहले बात की थी कि भाई वो आदमी एक गुस्सा उसमें था तो उसने ये एक्शन कर दिया. देखिए, गुस्सा बहुत लोगों को आता है, मगर गुस्से में ऐसी बात करनी बहुत मुश्किल है. इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आइडियोलॉजी काम कर रही है जी, जहाँ से उसको हवा मिलती है, कि जिसने उसको पढ़ाया है, कोच किया है, कुछ ना कुछ है. देखिए, चाहे उसकी उम्र, क्योंकि छोटी उम्र वालों को तो पकड़ते हैं ये लोग, और वो सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उन लोगों के मनों में, उनके दिलों में नफरत बिठाई गई है. दूसरी बात ये भी है कि वहाँ सड़क के ऊपर उस पर 10-12 फैमिलीज थी. हाँ. चारों तरफ. हाँ. तो उसने उस फैमिली को चुना ना, उनके कपड़ों को देखकर, उनकी शक्ल को देखकर, उनको उसको लगा ये ठीक है. हाँ. ये ठीक के पीछे उसकी सोच वर्क करती है, एक विज़न वर्क करती है. हाँ जी, वो विज़न जो कहता है कि ये वाइट मैंस लैंड है, यहाँ ये रंग बिरंगे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है. 1980 में यहाँ 4.7% इमिग्रेंट थे, जो 2021 में बढ़ के 25.4 हो गए, और 2036 में उन्होंने मतलब के ये सर्वे वालों ने बताया कि ये बढ़कर 35% हो जाएंगे, और 2050 में ओंटेरियो में 50% दूसरे रंग के लोग होंगे. ये ठीक है, ये दिस ये इसको इसको नेचुरल फिनोमिनन इसको यहाँ के जो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो इस धरती के हैं, ये बाहर से आए हैं, उनको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है. पीछे सर्वे ने ये भी बताया कि जो इमिग्रेंट आए हैं उनमें हायर एजुकेशन 68% के पास है, और यहाँ लोकल के पास 64% है. उन्हें पता है ये हमारे चांसेस ले रहे हैं. इस वक्त पार्लियामेंट में 56 में एक मेंबर पार्लियामेंट था कलर का, आज 51 है. उन्हें पता है ये हमारी पॉलिटिकल, हमारी सोशल जो स्पेस है उसको ले रहे हैं. दैट्स अ ब्रेक, दैट्स अ बिग थ्रेट. बट दिस हैज बीन बेसिकली बीन फॉर एटलीस्ट 100+ इयर्स. इट इज बेसिकली द माइंडसेट ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर. ये तो आप जब हमारे इंग्लिश ऑथर रुडियार्ड किपलिंग ने किताब लिखी किम, तो इसने उसने कहा कि दिस इज वाइट मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. द वर्ड एंड द फ्रेज, इट इज रुडियार्ड किपलिंग हु यूज दैट, इट इज वाइट मैन्स. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद जो उसी एज में आपके जो है एमिली ब्रांटी आती है, जेन ऑस्टन, उनके सारे नावल जो हैं बेसिकली नथिंग बट प्रेजिडिस. प्राइड एंड प्रेजिडिस इज नथिंग बट ऑल प्रेजिडिस. सो द इंटेलेक्ट ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड चेंज बिकॉज दे बिकेम ए डोमिनेंट इंपीरियल पावर. सो दिस इज व्हाई व्हेन आई टॉक अबाउट स्टीवन सेलेटर, हु सेड दीज आर settlers who became occupiers. So what is the mentality is the settlers are the white Canadian, white Americans, and when they occupied, they had a mentality to rule. But yep. They did not accept to share.
मैं पीछे एक दिन एक पढ़ रहा था, ऐसी बात ही अपने इधर शहर की कोई लड़की है, रिसर्च कर रही है, और उसने बताया कि हाउ ये जो नैरेटिव है, वो कहती कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूक्रेन से आए थे, और व्हेन दे केम हियर यूक्रेन, तो उधर से आकर इधर उन लोगों को मालूम नहीं था कि जो प्रेरीज हैं इतनी ठंड होती है उधर, तो एट दैट टाइम दे यूज टू टेल स्टोरीज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू देयर पेरेंट्स के भाई हम लोगों की कैसे, उन इंडिजिनस लोगों ने हमें कैसे बचाया और कैसे हमारी हेल्प की, और जैसे ही टाइम होता गया तो फिर क्या हुआ कि उनकी किताबों से इंडिजिनस लोगों का नाम ही निकल गया, उनकी वो स्टोरी ख़त्म हो गई कि भाई उन लोगों ने हमारी मदद की थी। वो कहती कि सिर्फ स्टोरी यही रह गई कि हम लोग कैसे पीछे से तकलीफ से आए और आकर इधर हम लोग सेटल हुए। सो दिस इज़ हाउ वो सेटलर की कहानी जो आप जैसे कह रहे हैं कि वो फिर अकुपायर बन गया और फिर वो उनको लगा कि ये तो हमारा ही है। या एक चीज़ ये है कि आपने जो बात की बिल्कुल सही है, मसला ये है कि 2 या 3 साल पहले शॉ कॉन्फ्रेंस सेंटर में ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की कॉन्फ्रेंस आई जी, तो मैं तकरीबन दो दिन मैंने अटेंड की। Did anything happen after that? Nothing. What I am saying is, why have a truth and reconciliation conference? It was one full day conference, 2 days I remember. I went there and I said, well, this is going to make some changes. But now we see, oh, many of these things which was, you know, under the rug is coming out. So not, if the government does not act on its past mistake, nothing will change. तो डॉक्टर साहब फर्क तो इतना है कि हम एडवेंट रूम में बैठे हैं तो हमें साफ सुथरा पानी पीने को मिल रहा है। आप 20 किलोमीटर बाहर जाइए जहां वो लोग रहते हैं तो उनके पास अभी भी साफ सुथरा पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो वी आर क्वाइट बाइस्ड पीपल, बाइस तो हम हैं जो पढ़े लिखे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक दूसरी हूँ गल, देखो इतने इंडिजनस लोगों की आप करते हैं, पर जो ये सारा ही ओवरऑल आप देख रहे हैं ये हर पासे माहौल, यूरोप की भी गल की, यूरोप के भी बिगड़ रहा, एशिया के भी गलबात खराब हो रही है, उतों वाले तो इतों वाली जी गलबात है जी, यू किमें देखते हैं दोनों तू लगता भी इतने ज़्यादा बड़े देर तो लोग सारे कहते जी भी करिकलम गलां बातां लियाओ पर हजे तक नहीं हुई। दूसरा है कि साडे विच ही कोई ना कोई कसूर है जां साडियां गलतियां है भी जिहड़े कोई भी लोग जिहड़े ऑफ कलर कह लो इंडिजनस कह लो कि जदों भी वो कोई हल लभदे आ सरकार तो उन्हां गल कहण दा ढंग तरीका ठीक आ, कीड़ी अप्रोच लैनी चाहीदी है? गल कीती है तो हुणे 3-4 दिन होए वर्ल्ड वैल्यू सर्वे होया, उन्होंने 85 कंट्रीज़ का सर्वे किया दुनिया दे विच कि आखिर नूं इह जिहड़ी नस्ली नफरत और वैर विरोध है ये क्यों पनप रहा। तो उन्होंने बड़ी हैरानी होंदी है सुन के कि दुनिया विच सब तो ज़्यादा नस्ली लोग इंडिया ते जॉर्डन दे विच ने, उन्हां दी परसेंटेज उन्हें 44% दसी है। इंडिया ते जॉर्डन, इंडिया ते जॉर्डन उन्हां दा, उन्होंने ईवन कैनेडा च भी दस्या कि वो लोग उन्हां च 44% ने कहा कि साडा जिहड़ा नेबर है वो साडा ही कोई, जे असीं इंडिया तो आए हैं कर्नाटक तो आए कर्नाटक वाला होना चाहिए, पंजाबी आए तो पंजाबी होना चाहिए। और जिन्हां दी असीं लगातार गल करदे आ रहे हैं क्योंकि असीं रोज़ चारों तरफ घटना देख रहे हैं, असीं कैनेडा दी अलबर्टा दी ओंटारियो दी गल कर रहे हैं, अलबर्टा कहिंदा कैनेडा USA जिस तरह कि तुसीं पहलां दस्सिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ते होर कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज, उत्थे नस्ली जिहड़ी है जातियां है हेट है नफरत है वो सिर्फ 4% लोगों च, बहुत घट लोगों च। लेकिन असी गलबात लगातार इस करके कर रहे हैं कि सारा कुछ होने तो बाद भी
ये भी एक असलियत है कि लोग जड़े हैं बहुत ही उदास हैं जब भी कभी यह घटना होती है और उन्होंने ये लगता है कि सानू ये लगता है कि लोग डर गए हैं और वाकई लोग डरे हुए हैं। इस करके असं इतने बैठे इन्हों की गल करते हैं लेकिन जितों जितों असी आए हैं उ डरते डरदा बहुत ज़्यादा जिन्होंने कहने फुहारा है उतने बोलते नहीं बोलते नहीं है। यही तो मैंने कहा। अब मैं एक और बात बतानी चाहूँगा कि जो वर्तमान प्रेजेंट हिंदुस्तानी सरकार है उसका विज़न क्या है, किस किस वजह से ऐसे गऊ को हाथ लगाने से आप आदमी को मार देते हो या किसी का दूसरा मतलब के पहरावा है या दूसरा कुछ है तब उसको इग्नोर करते हो, उसका कारण है उनका विज़न। जो आज की सरकार है उसके जो नेता हैं प्रमुख हैं जो जो लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब ओथ ली प्राइम मिनिस्टर बनने की उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व की फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ। ये हिंदुत्व की एक पैम्फलेट है जो 1923 में सावरकर ने छापी थी और उसी को अपना आधार मानकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जिसका ये ऑफशूट है BJP जिसकी फिलॉसफी के मुताबिक BJP चलती है, ये उनकी फिलॉसफी है। उनके जो सेकंड चीफ थे उनका नाम था गोलवर्कर जी। हाँ जी, तो वो अपनी एक किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, पेज है 48-49, MS गोलवर्कर। वो कहता है वो इस पार्टी का बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए गुरु है वो। वो कहते हैं द नॉन हिंदू पीपल्स इन हिंदुस्तान मस्ट स्टे इन द कंट्री होली सबॉर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन कॉमा क्लेमिंग नथिंग डैश नॉट इवन सिटीजनशिप। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एक लड़के ने इधर कर दिया दूसरे ने इधर कर दिया, वहाँ तो पूरी नीम ही इस पर खड़ी है कि आप यहाँ सिटीजनशिप भी नहीं ले सकते। अब जो नया कानून बनाया उन्होंने पिछले साल सिटीजनशिप का, उसमें आपको पता है कि सभी धर्मों को अलाउ कर दिया, मुसलमान को बीच में से निकाल दिया क्योंकि मुसलमान की आबादी हिंदुस्तान में 20 करोड़ है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ में से 101 करोड़ हिंदू है, बाकी 20 करोड़ वो हैं बाकी और हैं और लोग हैं। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो इस विज़न पे चल रहे हैं। ये डॉक्टर साहब फिर लोगों के मन के विच भुलेखा ही सीगा भी ये बड़ी मतलब लोगों जे इत्थे सहनशीलता आ बड़ा प्यार मुहब्बत आ ते तुसीं तां नंबर दस के डराते ते इन्ने लोगों के विच। ये तो आपकी बात सही है डॉक्टर कालियर, बट History takes different, goes through different trends, and history doesn't carry like in a straight path. It has to change, and the change will happen in India the way it happened in Pakistan. The cruelty enunciated by Ziaul-Haq and his time, you will not see it. It's no more there. But certain legacy is now being carried out by Imran Khan in a different way. Imran Khan was the harbinger of hope. Now he is the harbinger of despair. So baat darasal ye hai ki when do you stop that? Dekhiye, politician ka ek hi nishana hai, beshak Hindustan hai, Pakistan hai ya Canada, ki vote kahan se aata hai? आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वोट है। वोट अगर कॉमनलाइजेशन से आता है वो भी अच्छा है, वोट अगर कुछ लेने देने से आता है तो वो भी अच्छा है। ये लेने देने के चक्कर में आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ पिछले 30-40 साल से जो कॉरपोरेट्स हैं 10-12 कॉरपोरेट्स के हाथ में सारी दुनिया आ गई, वो देखते हैं कि यहाँ किस घोड़े पर पैसे लगाने हैं, मोदी पर लगाने हैं या किसी और पे लगाने हैं, ट्रूडो पे लगाने हैं या हार्पर पे लगाने हैं, वो देखते हैं कि उनके इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं। और उस प्रोसेस में जो आपने इंसानियत की बातें की हैं बहुत खूबसूरत, वो बिल्कुल ही पीछे रह जाती हैं। और फिर आज हम जो है आज जो सब कुछ घट रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आपने जो ये बताया कि हिस्ट्री बदलेगी,
हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हिस्ट्री बदलेगी, लेकिन सवाल तो ये है कि हम आज क्या फेस कर रहे हैं, वी आर कन्फ्रंटिंग विद दैट। हिस्ट्री इसलिए मैं कहूँगा, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ यूरोप, व्हाट हैपेंड इन यूरोप अगेंस्ट द ज्यूज। या यू आर राइट। एंड नाउ यू कैन नॉट टॉक एनीथिंग व्हिच एक्चुअली इज अगेंस्ट ज्यूज। So Holocaust happened in his time, and Holocaust survivor, I'm talking about, made it a point that they will talk about it. And this is what I want to tell you today, is as a member of this community at large, it is our task to talk and drum and beat this drum that hatred should go away from this land of ours. डॉक्टर साहब, जो इमीडिएट हम आज बात कर रहे हैं उसके पीछे ये जो लफ्ज़ है ना इस्लामोफोबिया, ये काम कर रहा है। और जब ये जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर 2001 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अटैक ऑन टेररिज्म, और उसकी ओट में वो पिछले 20 साल से मिडल ईस्ट को मार रहे हैं और लूट रहे हैं। अकेले इराक में उन्होंने कहा है कि इस किस्म के खतरनाक हथियार हैं उनके पास, 3 साल बाद कह दिया कि कुछ नहीं है, और वहाँ 1 लाख से ऊपर सिविलियन की डेथ हुई है। अमेरिका को आपने अमेरिकोफोबिया किसी ने कहा नहीं कहा है, जो इंग्लैंड में थी, दे क्रिएटेड टू क्रिएट दिस होल थिंग। There is nothing called Christianophobia. There is nothing called Judeophobia. Yeah. And there is nothing called Indiaphobia. Mm-hmm. But this has been created for political advantage in the West against the Muslims. हाँ, ये मुझे पता है, ये 1991 में पहली बार इस शब्द का एक किताब में प्रयोग हुआ, मैंने पढ़ा है वो। फिर आपने जैसे बताया 1997 में इंग्लैंड में इसके ऊपर पूरी पैम्फलेट और पूरी डिस्कशन हुई। Yes. और फिर 2001 में इस पे मोहर लगा दी अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका का ही 1995 में वो जो है क्या नाम, टिमोथी क्या नाम है उसका, जिसने ओक्लाहोमा में उसने बम्बार्डमेंट किया और 265 लोग उसी वक्त मर गए और 6,000 के करीब जख्मी हो गए, क्योंकि उसकी शक्ल जो थी वो सफेद थी, गोरा था, कैथोलिक क्रिश्चियन था, उसको किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, ना सारे वर्ल्ड की प्रेस ने, ना अमेरिकन प्रेस ने, उसको तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि आज के बाद अमेरिकोफोबिया नाम की चीज है। नहीं, ये अच्छा। बात सही है कि जो आपने कही, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी चीजें एंड नेम एंड क्रिएटिंग ए फिनोमिनन इन इस्लामोफोबिया हैज बिकम ए फिनोमिनन। This was created by neoconservatives, which is the neoconservative में Paul Wolfowitz और जितने भी इनके Zionist किस्म के Republicans हैं, they have an agenda. नहीं, यहाँ भी हार्पर बिल लेके आया 2015 में, उसके बाद क्यूबिक में बिल आया कि आप ये चीजें नहीं पहन सकते, तो यहाँ भी सारा कुछ वो हुआ है। मगर ये बात आप ये बताइए कि इस किस्म के बिल्स, इस किस्म के इश्यूज, ये सिखों के खिलाफ भी आया कि नहीं, तो आप कड़ा नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी। बट इट इज द सिख, वो तो बिल 21 में आ गया सभी के लिए। कम्युनिटी ने दे वर्क्ड हार्ड टू अंडू दैट, फॉर दिस टू हैपन, टू अंडू द हेट्रेड एंड एंगर, यही पूछना चाहता था हक साहब से कि हक साहब, कम्युनिटी को एक बात तो आपने कह दी कि चलो अपना वो जो करिकुलम है उसके साथ, दूसरा है कि बात करते रहना चाहिए। आज तक अपनी कम्युनिटी जो काम का जैसे भी करती है, आपको लगता है कि वो कुछ ठीक नहीं कर रही? अपने नारे तो लगते हैं, इकट्ठे होकर नारे तो लगाते हैं लोग। वो एक दिन अगर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में या ग्राउंड में आप इकट्ठे हो गए,
वो ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट देन दे शुड बी अ कंसर्टेड एफर्ट टू अनडू व्हाट इज हैपनिंग नाउ. We have not done that. As a Muslim community, as a community here, whether we are Sikh or Hindus, anything, we got to keep talking, because hatred is not against one nation, one community, it is against all. But Dr. Sir, ये है, जैसे मुसलमान कम्युनिटी में ही ना, उनके मैंने पढ़ा था कि 52 denominations हैं मुसलमानों में, different किस्म के, लेकिन उनकी किताब तो एक है, कुरान है, उनका मजहब एक है, लेकिन उनका जो आपसी खून खराबा है सारी दुनिया भर में आपस में, पहले तो वो उसको ख़त्म करें, एक इमेज दें कि दे आर यूनाइटेड, दे आर गुड विद ईच अदर. तो मेरे ख्याल से इस्लामोफोबिया जो अल्फाज है ये तो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. नहीं, इस्लामोफोबिया जो है इस पॉलिटिकल current, I would say, and it will die eventually. But the Muslim has to speak. As far as what you said, 52 denominations of Muslims. They are killing each other in Middle East for the last so many years. Yeah, but that's all political. You know, I mean, if the Houthis are killing the Saudis, it's all political. तो उस राजनीति को कौन बंद करेगा, कौन रोकेगा? वो रुकेगी तभी काम रुकेगा. Then it cannot come from the house of God. It has to come from within. Change comes from within. ये जो है ना अल्लाह मियाँ और you know I mean देवता आपको जो है गाइड नहीं करेगा. उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे इसलिए. समझ है ना? It has to come from within. And within means that you have to keep talking about a belief system which is respectful and accommodating. See, there is no sense of accommodation in people of color. एक बात और बताएं, जैसे आपने कहा कि अपने जो लोग हैं कि ठीक है भाई, वो नारे एक दिन इकट्ठे हुए, बात की, खत्म हो गई, उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं करते, और उसके लिए फिर अपनी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, why don't they come forward and do those kind of things? Help क्यों नहीं करते उस community की जो बाहर जाकर नारे लगाती है? कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ ना कुछ तो है ना. ये तो है आपके, I mean I agree that there is certain deficiencies and unfortunately communities, you know, I'm not going to name any, morally bankrupt हो गए. Morally bankrupt ho gaye, and moral bankruptcy takes a long time to come to change, because moral bankruptcy at the cost of economic betterment, that's what this has happened in the South Asian community. They've been very very successful economically, and unfortunately that brought the moral bankruptcy. अभी जो इन्होंने कहा ना कि पढ़े लिखे क्यों, पढ़े लिखे has no space in the community here. Yeah. The only people who have a space in there, who can bring the difference in the numbers, you know, कौन वोट ला सकता है, कौन हमको जो है जिता सकता है, that's it. यहाँ पे आके रुक गए. Yeah. फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा है फिर वही बोलता है जी. जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी इज बाई द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स, तो पीपल का नाम तो बीच से उड़ गया, पीपल का नाम उड़ गया. ये मैं, आपने अभी जो बात की थी अमरजीत सोही का, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम व्हिचएवर कम्युनिटी ही बिलोंग्स और शी बिलोंग्स, Amarjit Sohi is popular, irrespective of any color or any ethnicity or any background, country background. So, why? Kabhi socha hai, why is he becoming popular, and he is equally popular among the Muslims or Hindus or Sikhs or Christians or our... I think he is popular among the whites also. Yes. So, this is what you say. You have to create a leadership like that, who actually is talking about a colorless society.
This Black Lives Matter, I went to one, and I was happily surprised at the participation of the members who were present there, and a sizable population of colored people went there, you know. Yes. White people went there. So everybody was there. Things are happening. How you basically muster support for these things. And I think we got to do this for this, you know, what happened in London, Ontario. Yeah, there's no nothing happening on that issue at all. Doctor Saab, and you see ki karna chahu? मैं यही कहना चाहना कि बेशक असी बहुत गल्लां कीतियां हर लिहाज नाल इस इशू दे उत्ते, और इस भी कोई शक नहीं कि कैनेडा दे लोग जिहड़े इत्थे मजोरिटी च ने वो दूसरे मुल्कां नालों कंपैरेटिवली बहुत ही साथ देण वाले, दूसरी कौमां नूं इत्थे बसा भी रहे ने, सब कुछ कर रहे ने, ते लेकिन जो दिन ब दिन घटना घट रही है उहदे नाल लोग डरे भी बहुत होए ने। तो ये वास्ते जिहड़े इत्थे लोग इमीग्रेंट आए हैं उन्होंने भी थोड़ा मेन स्ट्रीम के विच इनवॉल्व होना चाहिए। असी भी आपां देख रहे हैं कि जिधर इंडियन आए हैं तो सारे इंडियन उधर ही रहने हैं, जिधर यूक्रेनियन आए सारे यूक्रेन उधर ही रहने हैं। तो जिहड़ी इत्थे दी मेन स्ट्रीम के लोग हैं उन्होंने वास्ते वो इलाके आस्ता आस्ता एक चैलेंज बन जाने हैं। डॉक्टर साहब गल इदा, अज तो थोड़े दहाके पहला यह गल सही सी, अज तुम एडमिंटन के किसी हिस्से भी चले जाओ सारे थाई तो अपने लोग जो वास्ते देते हैं। अच्छा हक साहब आप बताएं आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं यही कह, मेरी जो पहली बात थी कि एंगर टेक्स यू नोवेयर, and the basis of hatred, in my opinion, is anger. Sooner than later, we will find more about the psychology of the person who did this act. And, you know, maybe I will have a point. But I am saying that, you know, it's just not today or tomorrow or day after. We should keep talking about that. Something has to be done from our side to correct our mistakes, if we have, and we have. So, as Dr. Kalia said, assimilation is very important. Integration with the broader community is important. Are we doing that? That's the question mark. Yeah. सो दोस्तों तुसी गलबात सुनी आ जिहदे चो जिहड़ा सुनेहा उभर के आ रहा उह इही आ कि देखो जिथे आपां आ के वसे आ इत्थे सानू लोकां दे नाल मिलना वरतना चाहीदा है, जिहड़े किसे नूं भरम भुलेखे आ उह दूर करने चाहीदे आ। और गां इदां आ वी बच्चे जिहड़े ने जिदा जिदा वड्डे हो रहे ने वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दे विच जांदे आ, गां नौकरियां करदे ने वक्खरे वक्खरे थां ते लोकां नूं मिलदे गिलदे ने, वो पाड़ा ते दूर हौली हौली हो रहा आ। पर स्टिल जिहड़े नवें बंदे आउंदे आ उहनां नूं भी इह जिहड़ा कदम जरूर लैणा चाहीदा कि असीं दूसरियां बंदियां बारे जाणीए, उहनां नाल मिलीए गिलीए, इह नहीं कि इक डर दे तहत असीं चुप करके जिहड़े आ बैठे रहीए। जिहड़े अज कल कम्मां कारां ते लोक करदे ने उहनां नूं देख के हौली हौली माहौल दे विच तब्दीली आएगी। और जिवें हक साहब ने गल कीती है ना कि सानूं गल्लबात करदिआं रहिणा चाहीदा, चाहे उह पॉलिटिक्स दे विच आ ते चाहे तुसीं आपस विच आ, बाहर जरूर ये जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने इन्हां ते जरूर सानूं गल्लबात करदे रहना चाहीदा। प्रोग्राम देखण लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, और प्रोग्राम विच आउण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी, ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।